सलावा सलावा सलावा
comer algo rumbo que vamos a morir. ¿Entendéis? Tomaré paz al lado que pase. Nuevo, al que está de morir. Pues tomamos así, estamos para la presa, ¿eh? Que no se moral, no es la misma palabra. Ahora, amara, un segundo año ni, no es más importante, que veamos el mundo que va a ser que es. Es que, por año en el mundo que hay, tomame un en el mundo, manda por el mundo. Ahora, o bate yo, o carri que coge su hermano, o se fue a pesarte, y a mí que aquería, o se lo vea fuego, que se dice se vean que hay. हम तो ये मिलाद मनाते हैं, ये हमारा मिलाद उस दिन की याद इस मुहैया करता है कि जिस दिन पैगंबर के कौनैन ने इस जमीन को मुनव्वर करने की आँख खोली। लेकिन दरहकीकत अब तो ये है कि उस नूर का तज़किरा किया जाए कि जो सबसे पहले खल्क़ हुआ, इसके बारे में पैगंबर कौन ने खुद इशारा फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, मेरा नूर वो है जो सबसे पहले खल्क किया गया। कोई कायनात में कोई शय नहीं थी, बल्कि कायनात नहीं थी, कायनात भी नहीं थी, या जात वाजिब थी या मुमकिनात में वो नूर था। जैसे अल्लाह ने खल्क किया वो कहता है कुन तो कंजल मख्फिया वक्त करे ओ रफ, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। मैं तो छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक्तु का या मोहम्मद, बस मैंने आपको ए हबीब खल्क कर दिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद। आपके नूर जिन सुल्फों में से जिन अरहाम में से होता हुआ उस जगह पहुंचा कि यहाँ अजमत ही अजमत है, वहाँ कोई झोल नहीं है। दुनिया की जितनी रिवायतें हैं सब रद्द कर देने के लायक हैं, इसलिए कि जहाँ अल्लाह कह रहा है कि हमने आपके नूर को सजदा करने वालों में मुनव्वर किया है, बंदों का फिर साजिदी कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है कि हमने आपके नूर को सजदा करने वालों में मुंतकिल किया है। सजदा करने वालों में मुंतकिल किया, कोई गैर सजदा करने वाला हो ही नहीं सकता, कोई गैर आ ही नहीं सकता, इसलिए वो नूर ऐसा है कि जिस नूर को परवरदिगार उसकी परवरिश कर रहा है उन असलाम मुतहरा में, उन अरहाम मुतहरा में, कि जिनके जरिए से इस नूर को आगे जाना है, इसलिए उसकी मंजिल अल्लाह की मशीयत के मुताबिक आखिरी मंजिल है नबूवत है। मैं यह अर्ज करूं कि अल्लाह ने इस नूर को जब जिस्मानी पहकर इस अंदाज से अता किया कि वह नूर मुजस्सम दुनिया के सामने आ जाए, तो उसके लिए उसने इंतजाम किया, उसने ये मुकम्मल इंतजाम किया कि उसके निगहदाश्त करने वाले इस दुनिया में पहले से मौजूद हों। जैसा भी सफर हमारे खिताब कर रहे थे कि उसने एहसान किया, परवरदिगार ने एहसान किया, कहा लक़द मन्न अल्लाह अलल मोमिनीन इज़्ज़तहुम रसूलन मिन्हुम, मोमिन पर उसने एहसान किया, क्या किया, उसने एक रसूल मबूस किया उनके दरमियान। किसके दरमियान मबूस किया? मोमिनीन के दरमियान, मोमिनीन के दरमियान। अब लोग तो इस बात की कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ जो रसूलुल्लाह के आने के बाद जो कलमा पढ़ रहा है वो मोमिन होता है। अल्लाह कह रहा है मैंने उस मोमिनों के मजमे में रसूल को नाजिल ही किया, वो मोमिन का मजमा कौन सा है कि जो हिफाजत रसूल के लिए अल्लाह ने पहले से मौजूद कर दिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब, जनाब फातिमा बिनते असद और जनाब आमिना बिनते बहर, वो चारों अनवारे मुकद्दसा हैं कि जो हिफाजत रसूल के लिए पहले से मौजूद हैं, जिन्हें अल्लाह मोमिन कह रहा है, वो मोमिन है इसलिए कि
उनके दरमियान महबूस हो रहा है। दुनिया तलाश करते थक थक जाएगी और उन्हें कोई मोमिन नहीं मिलेगा सिवाय इनके। अब दुनिया को और कोई रास्ता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इन्हीं के ईमान पर हम इनके ईमान ही से इनकार कर दे तो बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, अपने आंखों के नाखून लो कि जिन्हें अल्लाह मुहाफिज बना के इस दुनिया में मोमिन बना के भेज रहा है उनके ईमान पर तुम गुफ्तगू कर रहे हो। जनाब इब्राहिम और पैगंबर कौनैन के बारे में एक बात कदर मुश्तरक के तौर पर पाई जाती है कि जनाब इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा गया है और पैगंबर कौनैन को हबीबुल्लाह, जनाब इब्राहिम को खलीलुल्लाह और अपनी मर्तबत को हबीबुल्लाह। उर्दू में हमारे तर्जुमा खलील का भी दोस्त और हबीब का भी दोस्त, क्या कोई फर्क नहीं? बहुत फर्क है। हमें उर्दू में उसका तर्जुमा बराबर का नहीं मिलता कि खलील कौन सा दोस्त होता है। खलील वो दोस्त होता है कि जो तालिब होता है और हबीब वो दोस्त होता है जो मतलूब होता है। महसूस किया आपने? खलील वो जो तालिब होता है और हबीब वो जो मतलूब होता है। बड़ा फर्क है दोनों में। इसलिए कि जब जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि देखूं कैसा को ही बादल मौत कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, साबुआ कुदरत का कि क्या तुम्हारा ईमान नहीं है? हमारी कुदरत का क्या तुम्हारा ईमान नहीं है? कहा है मलाकिन यजमैन ना कल्बी, लेकिन चाहता हूं कि इत्मीनान कल्ब हो जाए, इत्मीनान कल्ब हो जाए। अल्लाह ने तरीका बता दिया कि आप रसूलों को आते हैं, कुरान का आते हैं कि चार परिंदे दो और उसको इस तरह से पकड़ के उनको आवाज आ जाएंगे। मंदिर में यकीन आती है कि जहां लिए कहीं ना कल्बी अल्लाह से अपना यकीन बढ़ाना चाहिए, अल्लाह के बारे में अपना यकीन बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या कहने उस हबीब खुदा के कि जिसके वसी ने ऐलान किया लो कशफ़ अलकिता वलम अज़्ज़त यकीना, अगर अली के सामने हिजाब आए कुदरत हटा भी दिए जाए तो उसके यकीन में कोई इसी इजाफे की गुंजाइश नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। जिसका वसी इस मंजिल पर हो वो खुद किस मंजिल यकीन पर होगा। मोहतरम जनाब इब्राहिम और सती मतलब के बारे में ये कहना कि जनाब इब्राहिम भी खलील हैं और दोस्त हैं, वो तालिब हैं अल्लाह की रजा के। लेकिन हबीब जिसे कहते हैं वो मतलूब है कि जिसे अल्लाह अपनी सवारी भेज के अर्श पे बुलाता है, जिसे अर्श पे बुलाता है उसका और किसी और का मुकाबला नहीं हो सकता। और फिर अजीजान मुहतरम जब जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह का तस्करा आता है तो उनकी कुर्बानी का तस्करा होता है कि उन्होंने कुर्बानी पेश की है, कुर्बानी पेश की है, अपने बेटे को छुरी के नीचे बिठाया, छुरी चला दी और अल्लाह ने असद दफ्तर हो जाती नबी सुना दी। कहानी आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, आपने अपने बेटे को छुरी के नीचे बिठाया, ये जबीहुल्लाह हो गया और हमने उसके बजाय दुम्बा भेज दिया और मंजिल इम्तहान
पूरी हुई। जनाब इब्राहिम ने क्या किया, अपना एक बेटा एक मर्तबा छुरी के नीचे लिटा के ये बयान किया कि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ और अल्लाह ने कहा तुम कामयाब हो गए, मेरा सलाम हो उस हस्ती पर कि जो अपने बेटों को कई साल तक रोजाना पैगंबर के कुर्बान करने के लिए शौबे अबी तालिब में रोज उनके बिस्तर पर लिटा के ये ऐलान करता था मेरा बेटा कत्ल हो जाए लेकिन हबीब खुदा बच जाए। बताइए ये तकाबुल, ये तकाबुल ज़हनी इंसानी में आ सकता है कि जहाँ जमना पे इब्राहिम खलीलुल्लाह को सिर्फ एक बेटा कुर्बान करने की नवेद में उन्हें खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह कहा जा रहा है तो उसकी अजमत की क्या इंतहा होगी कि जो रोज शौबे की तालिब में अपने बेटों को कुर्बान करने के लिए पैगंबर के जिस पर लिटा के ऐलान करता है मेरे बेटे खत्म हो जाए लेकिन मोहम्मद बच जाए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने इन्हें नूर मुजस्सम करार दिया है और ऐसा नूर कि जो दुनिया उनकी हयात तैयबा में देखती थी। जनाब आयशा बयान करती हैं कि मेरे हुजरे में जब पैगंबर आराम फरमा रहे होते थे तो मेरी सुई अगर गिर जाती थी तो उस नूर के जरिए से मैं उस कोई भी सुई को तलाश कर लेती थी, कोई भी सुई को तलाश कर लेती थी। तो जान मोहतरम ये हदीस याद रखने वाली है कि अगर पैगंबर का नूर इस तरीके का था कि जिसके जरिए से बीवी कोई भी सुई उस अंधेरी रात में मिल जाती थी तो शबे हिजरत गवाही दे रही है कि बिस्तर रसूल पर जो सो रहा था, जो बिस्तर रसूल पे सो रहा था अगर उसमें वो नूर न पाया जा रहा होता तो कुफारे कुरैश आगाह हो जाते कि ये कोई और सो रहा है। मालूम होता है वो भी नूर वही था जो नूर मुजस्सम है और उसके नूर का टुकड़ा भी वही था जो बिस्तर के नीचे बिस्तर के चादर के नीचे सो रहा था। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। फर्क महसूस हो जाता, फर्क महसूस हो जाता लेकिन जब एक मरतबा चादर उलट के मौला कायनात ने उनको देखा और वो मारते हुए कि हम जिनकी तलाश में आए थे वो कहाँ है, कोई और होता तो घबरा जाता, कोई और होता तो शायद डर जाता कि सुधीर तलवारें हैं और ऐसी तलवारों के मुकाबले में निहत्ता सिर्फ चादर के नीचे से उठा है। उसने पुकार के कहा क्या मुझे मेरे हवाले कर गए थे जो मुझसे पूछते हो, कोई और जवाब नहीं दिया क्या मेरे हवाले कर गए हो जो मुझसे पूछते हो। मैं मतलब बस सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करूँ कि पैगंबर पैगंबर कौने ने शबे हिजरत जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा था यानी कल मक्के वालों की अमानतें मक्के वालों के हवाले कर देना, बस ये जुमला मिलता है तारीख में मक्के वालों की अमानतें उनके हवाले कर देना। इतना तो वक्त ही नहीं था इसलिए कि पेशा की नमाज के बाद हुक्म खुदा आया था कि आप हिजरत कर जाएं और फौरन पैगंबर अली को अपनी शहादत इनायत करके हिजरत के लिए रवाना हो गए। तो ऐसे में फिर तफसील देने का तो मौका नहीं था, कोई तफसील का मौका नहीं था, सिर्फ जुमला कहा था अमानतें उनके हवाले कर रहे हैं। बस यहाँ एक बात और मैं अर्ज कर लूँ कि इस्लाम का हिजरा हो चुका है, इस्लाम की आवाज बुलंद हो चुकी है लेकिन मक्के वालों की अमानतें फिर भी पैगंबर के पास हैं, मुसलमानों की नहीं, कुफ्फारे कुरैश कुफ्फारे कुरैश की अमानतें पैगंबर के पास हैं। तो फिर अगर कुफ्फारे कुरैश की अमानतें पैगंबर के पास हैं तो कुफ्फारे कुरैश अब तक पैगंबर को अमीन और सादिक मानते हैं, दुश्मनी है मुखालिफत है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालिफत है लेकिन पैगंबर की जात मुबारक से कोई इस बात को नहीं ले सकता कि उनसे ज्यादा ना कोई अमीन है ना उनसे ज्यादा कोई सादिक है। इसलिए पैगंबर
सोनेल ने अली से कहा, या अली कल मक्के वालों की अमानतें उनके हवाले कर देना। अब इस मौके पर अगर जहन साथ दे तो दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये मान लिया जाए कि अली को इल्म गैब था, अली को इल्म गैब था कि अमानतें कहाँ कहाँ रखी हैं, पैगंबर ने अमानतें किसी किसी अमानतें कहाँ कहाँ रखी हैं। तो अगर इल्म गैब मान लिया जाए तो बात हल हो जाती है, और अगर कोई नहीं मानता, अगर कोई ये नहीं मानता कि अली को इल्म गैब नहीं था, तो कम से कम ये तो मानना पड़ेगा। किसी जुमला बता रहा है कि पैगंबर ने कहा कि कल सारी अमानतें उनके हवाले कर देना, सारी अमानतें उनके हवाले कर देना, जिनकी अमानतें उनके हवाले कर देना। तफसील है उसकी तारीख में और सीरत की किताबों में मौजूद है कि अली ने क्या किया। लेकिन जब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि या तो इल्म गैब मानो, अली इल्म गैब रखते थे, और अगर ये नहीं मानते कि इल्म गैब नहीं रखते थे, इल्म गैब रखते थे ये नहीं मानते, तो कम से कम ये तो जरूर मानना पड़ेगा कि पैगंबर कोई काम बगैर अली के साथ मिलाए हुए नहीं करते थे। मोहम्मद वाले मोहम्मद, अज़ान मोहतरम, इस मौके पर एक बहुत ही फसीह और वलीद जुमला है जो सैयद उल उलमा सैयद अली ने साहब अल्लाह मुफ़ाहू ने इरशाद फरमाया था। जरा सोचो तो सही कि वो पैगंबर जो मक्के वालों की अमानतें बगैर महफूज हाथों में दिए, इन हाथों को पैगंबर महफूज मानते हैं, इन हाथों को पैगंबर महफूज मानते हैं। अगर पैगंबर किसी बगैर महफूज हाथों में दे देते तो अमानतें ज़ाया हो जाती, और 40 साल के दौर का जो सिला मिला था कि कुफारे मक्का भी अमीन और सादिक मानते थे, वो खत्म होके रह जाता। इसलिए पैगंबर ने वो हाथ पसंद किए कि जो महफूज हो, इस अंदाज के थे कि जो हिफाजत कर सकते थे। लिहाजा ये जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया कि वो पैगंबर जो मक्के वालों की अमानतें बगैर महफूज हाथों में दिए हुए मक्का नहीं छोड़ता है, वो अल्लाह की अमानत हिदायत बगैर महफूज हाथों में दिए हुए दुनिया कैसे छोड़ सकता था। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे अरबाब नजर, हम तो सिर्फ इस बात के फायल हैं कि पैगंबर कौनैन की मोहब्बत का तरीका यह है कि पैगंबर कौनैन जिससे मोहब्बत करते हैं उससे हमें मोहब्बत हो, जिससे नफरत करते हैं हम उससे नफरत हो। इसी तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारी जितनी मोहब्बतें हैं उनका मरकज ज़ात-ए-ख़त्म-ए-मर्तबत है। जिन जिनको पैगंबर ने चाहा है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जिन जिनको पैगंबर ने रिजेक्ट कर दिया है हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। हमारा सिर्फ और सिर्फ तरीका ये है कि हम उसकी तारीफ करते हैं जिसकी पैगंबर ने तारीफ की, हम उसकी मजम्मत करते हैं जिसकी पैगंबर ने मजम्मत की। बस किसी और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कि जिसके बारे में पैगंबर ने कहा कि ये मुझसे है और मैं इनसे हूँ? हुसैन मिनी मौना मिन हुसैन अभी अभी आपने समाज फरमाया, ये जुमला कोई मामूली जुमला तो नहीं, मामूली जुमला तो नहीं कि पैगंबर ने हुसैन के बारे में कहा हुसैन उम्मीनी माना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, क्या मानिए? ये कोई मामूली जुमला नहीं। पैगंबर ने जो इरशाद फरमाया वो एक तारीख मुरतब कर रही है, तारीख मुरतब कर रही है। मसायब की बात नहीं है कि मैं मसायब का कोई जुमला कहूँ, ये मिलाद की महफिल है, लेकिन ये बात जरूरी है कि जो पैगंबर ने कहा उसकी तारीफ ये है कि हुसैन मिनी का इतलाक असर आशूरे करबला तक है, और अना मिन हुसैन असर आशूर से लेकर ता कयाम में कयामत है। तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, और अगर जनाबे
अबू ज़र ने भाई से तो पूछे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगंबर ने अहले बैत के बारे में क्या कहा है, अहले बैत के बारे में क्या कहा है। तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी काबे का दरवाजा थामे हुए बता रहे होंगे, मुसलमानों सुनो, मैंने खुद पैगंबर से सुना है कि मसल अहले बैत की मसल सफीना तरूम मन रकबहा नजा वमन तकल्लफा अन्हा फ़ग़रक़ा फ़हबा। मैंने खुद सुना है कि पैगंबर कह रहे थे कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती है नूह की जैसी है, जो इस पर सवार हो गया वो नजात पा गया और जो उससे रूगर्दानी कर गया वो डूब पड़ा हलाक हो गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। हम किसी को रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी की अजमत नहीं बयान करते कि वो रिश्तेदार थे उन रिश्तेदारियों की वजह से, नहीं, जिन्हें पैगंबर ने ये इरशाद फरमा के कहा फातिमा को वज़तुम मिन्नी, फातिमा हम अपनी औलाद को जिगर का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, आंखों की ठंडक, ओरटोनाइन, ये सब कह देते हैं। पैगंबर ने कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इरशाद फरमा फातिमा तो वज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, फातिमा मेरा जुज है। क्या फरमाया? फातिमा मेरा जूस है। लोग हमसे पूछते हैं कि जनाब फातिमा का मनसब क्या है, क्या आप उनको नबी मानते हैं? नहीं आशा, हम नबी नहीं मानते। क्या उनको रसूल मानते हैं? नहीं आशा, हम रसूल नहीं मानते। क्या उनको इमाम मानते हैं? नहीं हम उनको इमाम नहीं मानते। फिर मानते क्या हैं फातिमा को, मानते क्या हैं? कहा पैगंबर ने खुद कहा है फातिमा तो फज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरा जूस है, हम उन्हें जूस में रिसालत मानते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। हम कोई मामूली तारीफ तो नहीं, ये मामूली तारीफ तो नहीं है जिसके जरिए से कोई कहे कि हम किसी और के बारे में भी हम इस बात की गुफ्तगू करें और हम किसी और के बारे में गुफ्तगू करें, जिसके बारे में पैगंबर ने गुफ्तगू की हम उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और हमारा अकीदा और हमारे ये सारे अकीदत हमेशा उन बात मुकदसा के लिए होती है कि जिन्हें पैगंबर ने बुलंद वाला करार दिया है। मुझे बताइए, जरा सोच के बताइएगा कि पैगंबर की जाते वाला सिफात से कोई बढ़ के मोहतरम हो सकता है? कोई उससे ज्यादा मोहतरम नहीं हो सकता, जिसके बारे में हमने और हमने सबने ये रिवायत सुनी है कि जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो उस मंजिल पर पहुंच के जिब्रील अमीन झटक के रह गए, या रसूलल्लाह अब इससे आगे मेरे जाने की गुंजाइश नहीं, मेरे जाने की गुंजाइश नहीं, मैं अगर जाऊं तो बालों पर जल जाएंगे वो मकाम। और जो मेरा सलाह बयान किया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि पैगंबर मेराज पर गए और जाके वापिस आए, सारे आसमानों की सैर करके वापिस आए, लेकिन जिस जगह से गए थे वो जंजीर दर गिरती रही, वो बिस्तर गर्म रहा, वो पानी उसी तरीके से वजू का बहता रहा और पैगंबर जाके वापिस आ गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सोचिए। इसलिए जब आप कभी शहर में जा रहे हो तो आप देखते हैं कि ट्रैफिक रुकी भी है, ट्रैफिक रुकी भी है, पूछते क्या मामला है, क्या किसी वीआईपी की सवारी जा रही है, किसी वीआईपी की सवारी जा रही है इसलिए ट्रैफिक रोकी गई है। तो जिस वीआईपी के कंट्रोल में यहाँ की शहर की ट्रैफिक होती है वो शहर की ट्रैफिक को रुकवा देता है और जिसके कंट्रोल में पूरा वक्त हुआ करता है उसकी सवारी जब जाती है तो पूरा वक्त रुक जाता है, पूरा वक्त रुक जाता है। पैगंबर कौनैन मेराज पे गए, वक्त रुक गया, जमीन ने गर्दिश रोक दी, आसमान अपनी जगह ठहर गया, वो सारी बातें जो गर्दिश में होती हैं, आफ्ताब अपनी जिया बांटना भूल गया, वो सारी बातें जो वक्त से मुताबिक है वो सब के सब थम गई, क्योंकि एहतराम पैगंबर ये है, एहतराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि वक्त ठहर जाए। अब इससे ज्यादा कोई एहतराम के लायक नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या करूं इस बात को अर्ज करने के लिए, इसलिए कि मुत्तफक अलैह हदीस है, न सुन्नी शिया का इसमें कोई इख्तिलाफ पाया जाता है कि जब भी पैगंबर के पास बद में पैगंबर में जनाब सैयदा आती थी तो पैगंबर खड़े होकर उनकी तादीम किया करते थे, जिसकी तादीम में सारी कायनात रुक जाती है वो जिसकी तादीम में खड़ा हो
جس کی تعریف کیا کرے, درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ہم تو انہیں مرکز محبت اس لیے مانتے ہیں اللہ کے وہ محبوب ہیں, اللہ کے وہ محبوب ہیں, تو وہ جنہیں چاہتے ہیں ہم انہیں چاہتے ہیں, وہ جن سے دوری اختیار کرتے ہیں ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں, وہ جس کے نام لے کے دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو یہ اہل بیت النبوہ ہے, یہ مادن الرسالہ ہے, ہم انہیں اہل بیت النبوہ مانتے ہیں, ہم انہیں مادن الرسالہ مانتے ہیں, ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ہماری کیا مجال کہ ہم پیغمبر کے کہے ہوئے کو ڈال دیں, پیغمبر مومن نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ اس ان ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, یہ محفل صرف پیغمبر ہی کے ذکر کے لیے ہے, اس لیے پیغمبر ہی کا ذکر ان سے منسوب ہو جاتا ہے, جب بھی کسی ہستی کا ذکر کرنا ہو تو پیغمبر سے اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, ہم علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, نہیں حضرت محترم علی کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ علی کے تذکرے کے ذریعے سے ہم پیغمبر کے خط پیغمبر کے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, کہ جس کا وسیع اتنا مرتبے والا ہو وہ خود اتنا مرتبے والا ہو, جو خود اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, تو پھر جس کی فضیلت اتنی ہو وہ ظاہر ہے کہ جس کو جس کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان کے غلاموں میں سے غلام ہوں, تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ اب اس سے زیادہ کوئی اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کی فضیلت زمین و آسمان اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, اسے ہم بیان کرتے ہیں تو صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پیغمبر کی عظمت بیان ہو جائے. ضرور پڑھیں محمد و آل محمد. اور بس یہ آخری جملہ میں عرض کروں کہ ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں عظمت پیغمبر سکھلائی ہے, ہمیں عظمت پیغمبر تعظیم پیغمبر سکھلائی ہے, جس امام کا یوم ولادت ہے آج امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کے بارے میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جب ان کے سامنے پیغمبر کونین کا اس میں گرامی لیا جاتا تھا تو وہ اس درجہ جھک جاتے تھے کہ جیسے رکوع کے حالت میں ہوں, جیسے رکوع کے حالت میں ہوں, نہ زمین کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا, نہ شمس و قمر ہوتے نہ دریا بہتے نہ کشتیاں چلتی, یہ سب اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ ان کو خلق کرنا مقصود تھا. تو جب ان کے یوم ولادت کو ہم منا رہے ہوں تو ہماری حیثیت گداگروں کی جیسی ہو جاتی ہے, ہم ان کی بارگاہ میں گداگر بن جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ طریقہ دنیا میں بھی رائج ہے کہ جب کسی بڑے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو گداگر دروازے پہ جمع ہو جاتے ہیں, ہم ان کے در کے کرا کر ہیں, ہم اپنے دامنوں کو دامن مراد کو پھیلائے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, پروردگار ان کا واسطہ جن کا آج یوم ولادت ہے ہماری حاضری کو قبول فرما دے, پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, پروردگار جتنے حاضرین یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں انہیں پوری فرما دے, بانیان محفل کی تمام مرادیں پوری فرما دے, پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے, اس مسجد و امام بارگاہ کو ہمیشہ آباد رکھ, اس کے دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرما, کووڈ کی بیماری کو دور فرما دے, پروردگار اس سے تمام عالم دنیا کو اور تمام عالم اسلام کو نجات عنایت فرما, محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے, جو بے روزگار ہو گئے ان کو روزگار عطا فرما دے, جو بار روزگار ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما دے, جو صاحبان دختر ہیں ان کو ان کے فرض دوش فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما دے, بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے, جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے, خاص طور سے ہمارے شہدا کے درجات عالی فرما, شہدا مسجد شاہ نجف کے درجات عالی فرما, پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما, ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و مان و شمار فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.